नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आज का दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। इसकी वजह थी परिसंपत्तियों का बंटवारा। जी, एक बड़ा कदम उठाते हुए यूपी ने बड़े भाई की भूमिका अदा की है, क्योंकि अलकनंदा होटल का दोनों राज्यों के बीच 21 वर्षीय पुराना विवाद आपसी सहमति से सुलझ गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार के अलकनंदा होटल की चाबी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों में सौंप दी है। हरिद्वार गंगा किनारे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ उत्तराखंड और यूपी सरकार के कई बड़े मंत्री शामिल रहे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलकनंदा होटल के बराबर में यूपी सरकार द्वारा नवनिर्मित भागीरथी होटल का भी शुभारंभ किया। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की होनी चाहिए। हम सब मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कैसे साकार कर सकते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि आपसी कुछ मतभेदों से ऊपर उठ करके हमें कार्य करना होगा। ये लगभग उत्तराखंड को बने हुए 21 वर्ष पूरे हो गए, 22वें वर्ष में चल रहा है, और ये समस्या लगातार बनी हुई थी। अलग अलग सरकारों के होने के कारण से इसका समाधान नहीं हो पा रहा था, और पिछले 5 वर्षों में लगातार इसके लिए प्रयास होते रहे, और इस बार अंततः नवंबर माह में सभी प्रकार के जितने भी इस परिसंपत्तियों से जुड़े हुए मामले थे, उसमें 95% जो कुछ 5% है, उन सब का भी जल्दी ही जो है समाधान हो जाए। पौड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने उत्तराखंड भ्रमण के दौरान दूसरे दिन अपने पैतृक गांव पंचूर में भतीजे के मुंडन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। वहीं परमार्थ निकेतन से आए महानुभावों ने भी सीएम से मुलाकात कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। यह हम सब की चिंता का विषय है, लेकिन समाधान क्या है, तो मुझे लगता है समाधान भी यहीं पर है। यहाँ पर इतना अच्छा मॉडल खड़ा करके दिखाया। इस चोटी पर जो हरियाली दिखती है, मैं कह सकता हूं कि आज से 15 वर्ष पूर्व यह भी एक सूखी, जैसे सामने की पहाड़ी सूखा पहाड़ी दिखाई दे रहा है ना, वैसे सूखा रहा होगा। और रहा भी इसलिए होगा क्योंकि मुझे बचपन में यहाँ पर पोखरी गांव में एक दो बार मांगलिक आयोजन में भाग लेने का अवसर, और उस समय में देखता सूखे पहाड़ लगते थे। रायबरेली में सरकार द्वारा चल रही योजनाओं की जमीनी हकीकत जांचने के लिए कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज शहर के बस स्टॉप और अस्पताल के साथ ही कई मोहल्लों का निरीक्षण किया, साथ ही आम लोगों से बातचीत भी की। यूपी में बुलडोजर चलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के तहत लखनऊ के अमीनाबाद थाना क्षेत्र के पुराने हनुमान मंदिर परिसर में बन रहे कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक राउत ने नैनीताल के तहसील कोस्या कुटोली के अंतर्गत खैरना, चमड़िया, नावली के साथ NH मार्गों के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। खैरना तक जो हमारा हाईवे है, इसकी वाइडनिंग की जानी है, और इसको ख़त्म होने की डेडलाइन इसी साल के 30 जून में थी, लेकिन लक्ष्य से हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो आज मौके पे मैं आया हूँ, और NH के ऑफिसर्स भी हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी हैं, उनके नए सिरे से हमने माइलस्टोन्स तय किए हैं, और SE साहब को मैंने निर्देश दिए हैं कि पर डे इसकी फॉर्मेट में डेली रिपोर्टिंग यहाँ पे होगी, और जो प्लान अब तय किया गया है उस पर स्टिक करके ही हम काम करेंगे। किसी प्रकार का इसमें डिले नहीं होना चाहिए, और क्वालिटी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। SDM कुशो कटोली साहब से भी हमने कहा है कि पैरेलली वो दिखवाते रहेंगे कि जो काम हो रहा वो सही प्रकार से हो रहा है या नहीं।
पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला साहूकारा की मदीना मस्जिद के पास निवासी अनीश रात्रि के समय स्टेशन चौराहे से घर का सामान लेने गया था। वापस लौटने के दौरान रास्ते में उसी मोहल्ले के कुछ आधा दर्जन से अधिक लोगों ने रास्ते में रोककर गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उसको लाठी डंडों से और बंदूक की बटों से बेरहमी से पीट दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अनीश, क्या हुआ आपके साथ? किन लोगों ने मारपीट की और मारपीट की क्या वजह रही? मुझे पता नहीं था, फिलहाल मैं तो उधर से सामान लेने के लिए आया था चौराहे पे से। सामान लेके मैं उधर से आ रहा था, इन लोगों की हाथापाई जो पहले हो चुकी है मुझे पता नहीं था। मैं उधर से निकल के आ रहा था, उन लोगों ने मेरे सिर पर टोपी लगी हुई देखी, तो मुझसे बोला जी कठुआ है इसे मारो। जो है वो खुराफात करते रहते हैं ये लोग, कोई क्या नाम है बच्चा लाल है, तो वो आए दिन शराब वराब के नशे में रह करके इधर गाली गलौज करते हैं। और आज भी कोई ऐसा ही मामला हुआ है गाली गलौज की, फिर उसकी गाड़ी उड़ी खींच ली, उस लड़के को ले जा करके मारा। इन लोगों के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लखनऊ के चौक स्थित बड़ी काली जी का मंदिर दूर दराज तक प्रसिद्ध है। दरअसल बड़ी काली जी के मंदिर का अपना पुराना इतिहास भी रहा है, यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगती है। बाकी सभी शुभ कार्य की शुरुआत भी लोग यहीं से करते हैं। इसकी वजह अपनी एक अलग पहचान है, जिस कारण लोग दूर दराज से यहां काली माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार बड़ी काली जी का मंदिर इस लिए चर्चा में आया है क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष दीक्षित ने यहाँ रह रहे बाबाओं पर अनियमितता का आरोप लगाया है। देखिए, मैं डॉक्टर आशीष दीक्षित हूँ, प्रवक्ता हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, और यहीं चौक लखनऊ में रहते हैं। किन मुद्दों को लेकर आज आपने ज्ञापन सौंपा है? देखिए, लखनऊ का पौराणिक मठ है बड़ी काली जी मंदिर, जो हमारे क्षेत्र में है, वहाँ पे विगत कई वर्षों से नियमितताएँ चल रही हैं। पता नहीं कौन कौन से बाबाओं का, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनका कब्जा है वहाँ पर, और वो आने वाले श्रद्धालुओं को जो है डराने का काम करते हैं, उसे जबरन वसूली करने का काम करते हैं। और लगातार जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, वहाँ पर मादक पदार्थों का सेवन होता है जाता है। देखिए, हम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है वहां से। ऋषिकेश के विस्थापित कॉलोनी में कृषि विज्ञानी राजेंद्र प्रसाद सोमवाल के द्वारा निर्मित गेहूं कटाई मशीन का लोकार्पण कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया। कृषि मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने की कोशिश करने में लगी है। यही मशीन राजेंद्र प्रसाद सोमवाल ने बहुत ही हल्के वजन में और सस्ते दामों में बनाई है, जो किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। हमारी सरकार के भी लक्ष्य है किसानों की आय को दुगनी करना, उसमें भी ये मशीन अपना योगदान सुनिश्चित करेगी। क्योंकि अभी मैंने जब इसको शुरुआत की, मैंने देखा वास्तव में किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। मैं अपने विभागीय अधिकारियों से बातचीत कर जो इक्विपमेंट्स हम किसानों को प्रोवाइड कराते हैं, हम उसमें शामिल कराएंगे। क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों के हित में फैसला किया है, कल ही आपने देखा होगा जो उर्वरक जो खादों पर सब्सिडी थी उसको बढ़ाया है, इंटरनेशनल मार्केट में उसके दाम बढ़े हैं, उसके बावजूद हमारे देश के अंदर उसकी स्थिति यथावत है। उसके लिए मोदी जी का आभार करता हूं, और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार करना चाहूँगा। जिस प्रकार किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है, उसी प्रकार हमारी सरकार किसान प्रोत्साहन राशि 2000 रुपया का उल्लेख राज्यपाल के भाषण में है। शाहजहांपुर में कोरियर की दुकान के बाहर से पार्सल चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है, जहां वीवो कंपनी के 10 मोबाइल सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र का है। सीतापुर में 19 अध्यापकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। बता दें कि अध्यापक लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे थे। सभी अध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दे पाने के कारण जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने सभी की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। श्रावस्ती में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक चालक को जोरदार टक्कर मार दी, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल बाइक सवार शादी समारोह से अपने घर लौट रहा था,
वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने घायल व्यक्ति की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल से बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। शाहजहांपुर में जिला अधिकारी ने ई रिक्शा से स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने पर रोक लगा दी है। वहीं जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों और परिवहन विभाग को आदेश जारी किए हैं। संभल में समाज कल्याण अनुसूचित जाति और जनजाति मंत्री संजीव कुमार ने आज संभल का भ्रमण किया। साथ ही उन्होंने जिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया, जिसके बाद मंत्री संजीव कुमार ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। श्रावस्ती में पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य द्वारा जनपद में 5 चौकी प्रभारियों का फेरबदल किया गया। जहां सुधीर कुमार को पुलिस लाइन से थाना इकोना भेजा गया है, वहीं सुरेश कुमार साहनी को चौकी प्रभारी बदला चौराहा भेजा गया। इंद्रसेन सिंह चौकी प्रभारी बदला से पुलिस लाइन भेजा गया। धर्मराज मिश्रा को थाना सोनवा से चौकी प्रभारी सेमरी तरहर भेजा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।